हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं गुजिया बना रही हूँ। इसके लिए मैंने मावा, सूजी, चीनी, ड्राई फ्रूट्स, इलायची और सूखा नारियल जो मैंने घिस के ले लिया है। सबसे पहले मैं पैन में 2 चम्मच घी डालूंगी। घी गर्म हो जाने के बाद इसमें मैं सूजी डाल के उसे फ्राई कर लूंगी। सूजी को हमें बिल्कुल हल्का फ्राई करना है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक करें। सूजी अब फ्राई हो चुका है तो मैं इसमें घिसा हुआ नारियल डाल रही हूँ और उसे भी 2 मिनट तक हल्का फ्राई कर लूंगी। जब ये सब अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना है और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इन सबको 1 मिनट और भून लेना है। जब ये सब अच्छी तरह से भून जाए तो जो मावा है उसे डालकर इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके इसे और 2 मिनट हमें भून लेना है और चीनी डालना है। जब चीनी अच्छी तरह से गल जाए तो इसमें इलायची पाउडर डाल के इसे 2 मिनट और फ्राई कर लेना है। थोड़ा ये ड्राई होना चाहिए। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुका है तो मैं इसे साइड कर लूंगी। दूसरी तरफ गुजिया के लिए हमें आटे को गूंथना है तो मैं 1 कप मैदा लूंगी। मैदे में मैं थोड़ा सा रिफाइंड डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब रिफाइन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे आटे की तरह बिल्कुल सॉफ्ट गूंथ लेना है। गूंथने के बाद मैं इस आटे को कुछ देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए इसे कवर करके साइड कर लूंगी। जब आटा अच्छी तरह से फूल जाए तो उसे अब अच्छी तरह से हाथों से मसल कर मैं उसकी छोटी छोटी लोई काट के इसको पूरी के आकार देना है इसे। जब ये पूरी के आकार का हो जाए तो इसमें जो हमने भरने के लिए सूजी का जो बनाया था वो इसमें डालना है और इसे अच्छी तरह से पैक कर लेना है। मेरे पास अभी मशीन तो नहीं है गुजिया के लिए तो मैं इसे अपने फिंगर की हेल्प से गुजिया का डिजाइन कर रही हूँ, तो आप प्लीज देख लीजिए। इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे फोल्ड करते हुए, अगर नहीं हो रहा तो आप इसकी जगह हल्का हल्का पानी भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह मैंने एक एक करके सारे गुजिये को तैयार कर लिया है। पैन में मैंने तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। तेल गर्म हो जाने के बाद उसमें हम एक एक करके सारे गुजिये को डालते जाना है। अब गुजिया को हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि गुजिया अच्छी तरह से पक जाए, क्योंकि अगर ज्यादा फ्लेम होने पर ये जल ना जाए। अब इसे मैं पलट रही हूँ ताकि ये दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से पक जाए। गुजिया का कलर चेंज हो रहा है सो यानी ये अच्छी तरह से पक रहा है। इस होली आप भी इस गुजिये को अपने ट्राई करें और बताएं कि कैसा लगा। सो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। गुजिया अब पूरी तरह से तैयार है।